हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आई डूइंग ग्रेट सो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा कलेक्शन एंड ये सारे पीसेस मुझे बहुत अच्छे लगे एंड मैंने डिफरेंट डिफरेंट शॉपिंग प्लेटफॉर्म से इन्हें पिक किया है मिंत्रा से फ्लिपकार्ट से एंड एमेज़ोन से सो so, सारे परचेजिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेकआउट कर लेना एंड आज के आउटफिट्स हैं ना कुछ ना कुछ आपको स्टाइलिश एलिमेंट उनके अंदर मिलेगा एंड बहुत तरीके से आप उन्हें स्टाइल कर सकते हैं इन्हें चाहें तो आप वेकेशन पर भी कैरी कर सकते हैं एंड इतने डिसेंट भी हैं जो आप अपने वर्क प्लेस पर भी कैरी कर सकते हैं सो so, वीडियो को पूरी देख लीजिएगा और देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा और ऐसी ही वीडियोस आगे भी देख सके इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो so मैं शेयर करूंगी सबसे पहले आपके साथ ये वाला पीस जो कि टू पीस के अंदर है लाइक इसके अंदर कुर्ती है और जैकेट है ये है सांगरिया ब्रांड से एंड ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है ये वाला स्पेशली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये जैकेट के साथ आता है और काफ़ी वर्सेटाइल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप चाहें तो इसे प्लेन कुर्ती की तरह भी पहन सकते हैं और चाहे तो आप इस जैकेट के साथ भी पहन सकते हैं और उसके अलावा ये जैकेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगी अगर आपका वाइट कलर का ब्लैक कलर का ग्रे कलर का सॉलिड कुर्ता है तो उसके साथ भी आप इसे जैकेट को पेयर कर सकते हैं इसे मैंने मीडियम साइज़ के अंदर लिया है और मुझे कंफर्टेबल रिलैक्स फिट मिल रहा है फैब्रिक है इसका कॉटन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है आपको कोई लाइनिंग वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है सी थ्रू नहीं है स्ट्रेट कुर्ता है विद साइड स्लिट और उसके अलावा इसके अंदर दो पॉकेट भी मिल जाएंगी स्लीवस थ्री फोर्थ हैं एंड यहाँ पर बटन की डिटेलिंग की हुई है कफ स्टाइल के अंदर इसे बनाया हुआ है सो लेंथ वगैरह आपको अच्छी मिलेगी आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं मैंने इसे ऑफ वर्ड पैंट के साथ पेयर किया है एंड आप चाहें तो एस एच वन पीस की तरह लाइक विदाउट जैकेट पहन सकते हैं एंड जब थोड़ा सा स्टाइल एलिमेंट ऐड करना हो तो आप इस जैकेट के साथ कैरी कर सकते हैं इसके अंदर बटन दिए गए हैं जिन्हें आप आसानी से यू you नो know, खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं ऑल ओवर इस तरह का एथनिक प्रिंट इसके अंदर मिलेगा आपको एंड यू कैन सी कुर्ता सॉलिड है और जैकेट है प्रिंटेड है सो so, ये है फर्स्ट पीस जो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एंड स्टाइलिश लगा आप चाहें तो इस कुर्ती को जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं प्लाज़ो के साथ कैरी कर सकते हैं सिगरेट पैंट्स के साथ कैरी कर सकते हैं क्रॉप प्लाजो ले लो आप मेरे ना यहाँ पर अल्सर हो रखा है तो कभी कभी लड़खड़ा जाएगी जवान सो so, ये वाला जो कुर्ता सेट है कुर्ता सेट ही बोल सकते हैं जो टू पीस में आ रहा है मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप ऑफिस में भी इसे कैरी कर सकते हैं और किसी कैजुअल आउटिंग पे जींस के साथ स्टाइल कर लीजिए और बहुत ही बढ़िया लुक आएगा नाउ जो सेकेंड पीस है वो लाइक ट्रेडिशनल थ्री पीस कुर्ता सेट है बट इसका जो कलर है ना वो इसका अट्रैक्शन है बहुत ही अनयूजअल सा कलर है सो फ्लोरिसेंट कलर है बट स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है ऐसा है जो आप अपने वर्क प्लेस पर भी कैरी कर सकते हैं और किसी भी स्पेशल ओकेज़न पर भी कैरी करेंगे ना सिल्वर ज्वलरी डाल लो आप हैवी मैंने ज़्यादातर बहुत ही सिंपल सी ज्वेलरी वगैरह डाली है ताकि आपको पूरा पता चले कि इस आउटफिट का लुक कैसे आ रहा है बट अगर आपको इसे इनहेंस करना है सो डेफिनेटली आप हैवी पीसेस पे भी जा सकते हैं ज्वेलरी वगैरह सो so ये थ्री पीस कुर्ता सेट है एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड लिबास स्ट्रेट कुर्ता है ये विद साइड स्लिट एंड इस पे ऑल ओवर सिल्वर फॉयल प्रिंट किया गया है इस कलर के साथ ना सिल्वर कलर का गोटा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है जो गोटा आपको स्लीव्स पे मिल रहा है वही आपको पैनल्स पे मिल रहा है ये फ्रंट पैनल पे आपको ऊपर साइड स्लिट्स पे एंड नीचे मिल जाएगा आई थिंक इसके अंदर ना दो कलर ऑप्शन है एक पिंक भी मिल जाएगा और एक इस तरह का फ्लोरिसेंट येलो कलर आप बोल बोल सकते हैं इसे बट एक्चुअली पता है क्या इसके अंदर जो पिंक कलर है ना वो शरारा सेट के साथ भी मिलेगा बॉटम उसका डिफरेंट वो मैंने आपके साथ बहुत पहले रिव्यूज का शेयर किया था बट ये जो है ना ये वाइड लेग प्लाजो के साथ आता है आई थिंक दिस इज मोर प्रैक्टिकल आप एवरी डे में भी पहन सकते हैं ऑफिस वगैरह में भी पहन के जा सकते हैं शरारा थोड़ा सा ना ओकेजनल वेयर हो जाता है ये वाइड लेग प्लाजो है एंड इसके नीचे गोटे की डिटेलिंग की गई है एंड पूरे पे छोटा छोटा ये फॉयल सिल्वर फॉयल प्रिंट हो रखा है फ्रंट से है ना इस तरह का बैंड है जो कि विदाउट इलास्टिक है पीछे से इलास्टिकेटेड है इसके अंदर दो पॉकेट दी गई हैं ये मैंने मीडियम साइज़ में लिया है और इसका जो बॉटम है ये मुझे ढीला है आई थिंक इसमें मुझे स्मॉल साइज़ पे जाना चाहिए था क्योंकि ये जो बॉटम है आप देख सकते हैं ये काफ़ी चौड़ा है सो मीडियम आई थिंक थर्टी है सो so थर्टी so मेरे लिए सही रहता इसके साथ आता ये ये है ये दुपट्टा ये शिफोन का दुपट्टा है बहुत ही इजी ब्रीजी है आसानी से पूरे दिन कैरी कर सकते हैं बॉटम का जो फैब्रिक है ना उससे चारों किनारी बनाई हुई है एंड ये सिल्वर गोटा दिया हुआ है सो so, काफ़ी सुंदर है ये दोपट्टा भी और ये थ्री पीस कुर्ता सेट मुझे काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा मतलब पहनने में बहुत ही ज़्यादा आरामदेह है एंड साथ में लुक काफ़ी अच्छा है एक तो कलर ऐसा है ना जो उभर के आता है ऑब्वियसली नजर जाती है ऐसे कलर पर बट सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है सो so डेफिनेटली अगर आप चाहें और अफोर्डेबल रेंज में थाउजेंड के अराउंड आपको ये पड़ेगा सो so आप इसे पिक कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट जो थर्ड पीस है ना ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश आउटफिट है मुझे बहुत ही प्यारा लगा स्पेशली जो लोग फ्यूज़न आउटफिट चाहते हैं या जीन्स वगैरह के साथ कुछ यू नो स्टाइलिश कुर्ती चाहते हैं ट्यूनिक चाहते हैं पैर करने के लिए सो so, डेफिनेटली आप इस पे जा सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा है इसका पैटर्न बहुत अच्छा है एंड इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जॉर्ज फैब्रिक के अंदर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सॉफ्ट फैब्रिक है बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड इंडिया इंडिया पे आपको ना क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है एंड मॉडर्न एलिमेंट के साथ आउटफिट मिलता है स्टिचिंग स्टाइल इसका बहुत प्यारा मुझे लगा एम्पायर लाइन के बाद आपके ना ये पूरी नीचे विदाउट इनर होगी सो थोड़ी सी सी थ्रू होगी ट्रांजी होगी एंड साथ में ना इसमें ऊपर से ही एम्पायर लाइन के बाद से ही स्लिट स्टार्ट हो जाती है सो so, जीन्स के साथ मैंने इसे पेयर किया और बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है इजी ब्रीजी है किसी भी डे टाइम आउटिंग पे अगर आपने जाना है सो so डेफिनेटली आप इसे कैरी कर सकते हैं आप पिकनिक पे जा रहे हैं या कोई ऐसे ही फन एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं सो so, डेफिनेटली ये पीस बहुत ही बढ़िया लगेगा जीन्स के साथ पेयर करने के लिए सो so, बहुत ही ज़्यादा फ्लोई भी है मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा सो so, नेक पे आप देखेंगे ना इस पर वर्क हो रखा है बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ एंड मिनिमल सा है वुडन बटन दिए गए हैं स्लीव्स थ्री फोर्थ है आपका जो ऊपर ऊपर चोली वाला पार्ट है ना आगे और पीछे इसके अंदर लाइनिंग है सो तो आपको नीचे कुछ इनर डालने की ज़रूरत नहीं है बट उसके अलावा स्लीव्स हो गया और एम्पायर लाइन के बाद नीचे है ना विदाउट यू नो लाइनिंग है सो तो इस तरह का जो uh, ट्रांजी वाला लुक है ना मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें मैंने स्मॉल साइज लिया आप देख सकते हैं काफ़ी फ़िटेड लुक आ रहा है सो so, आपको ना इसके अंदर बहुत मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं एक तो जॉर्ज है वैसे ही निसी कुर्ता और दूसरा क्या है इसके अंदर यहाँ पर साइड ज़िप है तो आप आसानी से पहन न उतार सकते हैं इसे सो so, इसीलिए मैंने इसके अंदर फिटेड लिया क्योंकि फ़िटेड का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है एंड वैसे भी मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है दो तीन किलो तो मुझे लग रहा है कि मैं वो रिड्यूस करूँगी बहुत ही जल्दी तो उसके बाद ये मुझे बहुत ही बढ़िया से आ जाएगा इसके अंदर ये ड्रॉस्टिंग भी है जिसे आप फर्दर एडजस्ट कर सकते हैं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने इसे स्मॉल साइज़ में लिया तो जस्ट मैंने इसे टाई कर लिया सो so, ये वाला लुक ना मेरा तो फेवरेट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसके अंदर क्या है ये मैंने अमेजोन से लिया है और आपको जो लिंक मिलेंगे ना तो वैसे तो ज़्यादातर आउटफिट्स के होते हैं कि एक आउटफिट का स्मॉल मीडियम लार्ज सभी का एक ही लिंक होता है बट इसके अंदर हर पीस का ना आपको डिफरेंट डिफरेंट लिंक मिलेगा सो वो सारे के सारे लिंक साइज़ के अकॉर्डिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप चेक कर लेना जो आपके साइज़ के लिए सूटेबल हो ना उस लिंक से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट पीस जो है ये थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में डाला था आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि ये कहाँ से है सो so, ये भी अमेजोन से लिया है आपको अमेजॉन पे मिल जाएगा बहुत ही सुंदर ये ट्यूनिक है काफ़ी स्मार्ट पीस है ये एंड uh, ये भी मैंने स्मॉल साइज़ में ली है इसकी बढ़िया फ़िटिंग आ रही है सो काफ़ी रिलैक्स फिट मुझे मिल रही है कंफर्टेबल फ़िट एंड ये ना ए लाइन कुर्ती आप बोल सकते हैं इसके अंदर कोई स्लिट वगैरह नहीं है एम्पायर लाइन के बाद इसके अंदर फ्रंट ये प्लीट्स वगैरह है ना जिसके कारण काफ़ी अच्छा फ्लेयर हो जाता है नीचे से ए लाइन होकर इसकी लेंथ वगैरह आप देख सकते हो ट्रायन में काफ़ी स्मार्ट पीस है इसके अंदर भी दो पॉकेट्स हैं आप इसे एज ए कुर्ती तो बॉटम के साथ कैरी कर ही सकते हैं अदरवाइज नीचे साइक्लिंग शॉल्स डाल के बेल्ट वेल्ट लगा के आप इसे यू नो डे टाइम आउटिंग्स के लिए कोई भी जो वन पीस ड्रेस होता है ना कुर्ती ड्रेस उसकी तरह भी स्टाइल कर सकते हैं आप इसके नीचे वाइट स्नीकर डाल लीजिए ब्लू के साथ वैसे ही वाइट स्नीकर बहुत अच्छे लगते हैं फैब्रिक इज़ सुपर सॉफ्ट सुपर कंफर्टेबल एंड इसके अंदर भी साइड जिप है सो तो आप आसानी से पहन उतार सकते हैं ये पीस भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी नाव जो मैंने पहना हुआ है अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो ज़्यादातर को तो पता होगा क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही इसका रिव्यू शेयर किया था आपके साथ ये है फ्रॉम द ब्रांड जूनिपर ये कुर्ता सेट थ्री पीस कुर्ता सेट है बहुत ही ज़्यादा सुंदर मुझे लगा और साथ में मेरी मम्मी ने भी वीडियो देखी ना तो उन्हें बोला कि मेरा मन कर रहा है ये तो लेने का मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है तो आई एम प्लानिंग कि मैं उनके लिए ये वाला पीस ऑर्डर करूँ सो या अगर आपको कोई भी यू you नो know, इस तरह के थ्री पीस कुर्ता सेट चाहिए जिसमें थोड़ा सा वर्क हो एम्ब्रॉयडरी हो डिसट क्लासी लुक के लिए सो so डेफिनेटली आप इसे चेक कर सकते हैं आप मेरी प्रीवियस जो वीडियो है ना चैनल पर उस पर चले जाइएगा और कई बार क्या होता है ना मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पा रहा है ऐसा मुझे पता चल रहा है सो आप ना मेरे चैनल पर आके देख सकते हैं आप ड्रीम ड्रीम सिंपल से सर्च कर लीजिए और एवरी ऑल्टरनेट डे मैं मॉर्निंग में साढ़े दस से साढ़े ग्यारह के बीच में ना वीडियोस अपलोड करती हूं so नई कर वीडियो तो नहीं आई है सो नाउ मैं नेक्स्ट पीस आपके साथ शेयर करती हूं ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है क्योंकि अंगरखा पैटर्न में मुझे अंगरखा पैटर्न बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि है ना एक बहुत ही ट्रेडिशनल एथनिक लुक इसके साथ ऐड हो जाता है बट सेम टाइम ना ये बहुत स्टाइलिश भी है क्योंकि इसके अंदर साइड स्लिट भी दी गई है तो अगर आप जीन्स के साथ चाहें या फिर अपनी जो सिगरेट पैंट्स हैं ना उसके साथ इसे पेयर करेंगे तो साइड स्लिट बहुत ही सुंदर लगेगी एंड फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है कलर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फीलिंग आपको देगा फ्रेश लुक आपको देगा डे टाइम पे आप डालो इवन नाइट टाइम पे भी आप डाल सकते हो किसी भी के घर जा रहे हो आप लाइक डिनर पे आप जा रहे हो तो डेफिनेटली इसे कैरी कर सकते हो बहुत ही बढ़िया सा लुक आएगा नाव हम देख लेते हैं ये क्या कलियों वाला है ऊपर से आप देखेंगे ना तो ऊपर से ही कलियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और सेम कलियाँ आपकी पीछे से भी स्टार्ट हो जाती हैं सो एम्पायर लाइन वाला इसके अंदर सिनेरियो नहीं है सो so, फ्रंट में आप देखेंगे तो अंगरखा पैटर्न है बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ना लेस का काम किया गया है देन साइड में दो टैसल्स हैं ये फंक्शनल नहीं है बट आपको इसे टाई करना पड़ेगा और ये बहुत ही सुंदर लुक देती हैं इसके ऊपर ये टैसल्स भी लगे हुए हैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कलर क्रिएट किया गया है छोटा छोटा इसके अंदर आप देखेंगे ना तो ऐसे बारीक सा प्रिंट हो रखा है काफी सुंदर लग रहा है फ्लोरल पैटर्न है इसका देन नीचे जाके ये फ्लेयर आप देख सकते हैं इसका बढ़ जाएगा काफी फ्लोई भी है एंड नीचे आपको ना कलियाँ जो है उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न मिलेगा ईच कली के अंदर और ये ना मेरी हाइट पे तो आप देख सकते हैं कितना लंबा आ रहा है सो मैंने इसे हील के साथ कैरी किया है बट जो लोग यू you नो know, मेरे से भी लंबे हैं ना उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और जो मेरी हाइट के हैं ऑब्वियसली उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है और जो मेरी हाइट से कम है उनके लिए ये बिल्कुल जो फ्लोर लेंथ अनारकली चाहिए होती है ना जिन्हें क्योंकि ना फ्लोर लेंथ अनारकली से आपकी लंबी हाइट दिखती है तो शॉर्ट हाइटेड के लिए वैसे भी अच्छा है जिनको ये फ्लोर पर टच करे सो आई थिंक फाइव तक के लोग और उससे ऊपर वाले इसे बाय कर सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश ऑप्शन है ये यू नो अंग रखा कुर्ती के अंदर और काफी ज्यादा कम्फर्टेबल है सी थ्रू नहीं है मैंने स्मॉल साइज लिया है और स्मॉल साइज मुझे कम्फर्टेबल रिलैक्स फिट दे रहा है थोड़ा सा मार्जिन भी है नाउ नेक्स्ट जो पीस है ये बहुत ही सुंदर सी कुर्ती है एंड इसके ऊपर फ्रंट में ये हैंड वर्क हो रखा है काफ़ी डिज़ाइनर पीस है सो so, आप देख सकते हैं इसका स्टाइल बिल्कुल जो नॉर्मल गले पे चोकोर वाली एम्ब्रॉयडरी होती है ना वैसा नहीं है थोड़ा सा डायग्नल इसके अंदर ये हैंड वर्क किया गया इस पे है इस पर पर्ल हैं लाइक मोती वगैरह हैं थ्रेड वर्क किया हुआ है और सारा हाथ से किया हुआ काम है सो so, काफ़ी ज़्यादा सुंदर इसका लुक आ रहा है एक्चुअली ये ना बहुत ढीला है मुझे सो so, इसके अंदर ना मैंने मीडियम साइज़ लिया मुझे इसके अंदर लेना चाहिए था स्मॉल साइज़ क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लोई है सो so इसके अंदर स्मॉल साइज़ अगर मैं लेती तो मेरी फिटिंग बहुत अच्छी आती कलर तो आपको पता ही है ब्लू मुझे कितना सुंदर लगता है एंड पूरा जो ग्रेस एंड स्टाइल है ना वो इसकी ये फ्रंट वाली एम्ब्रॉयडरी का है एंड इसके अंदर वीविंग में ही आपको ना ये हॉरिजॉन्टल uh, लाइंस मिलेंगी एंड ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ऐसे शाइनी फैब्रिक है ये शाइनी थ्रेड है बट बिल्कुल भी नहीं चुभता पहनने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये बॉडी पे एंड स्लीव्स आप देख सकते हैं इसके अंदर थ्री फोर्थ है यहाँ पर एक कट दिया गया है तो so, आप अपने वर्क प्लेस पर भी इसे कैरी कर सकते हैं और कहीं भी घर से बाहर जा रहे हैं तो भी आप इसे कैरी कर सकते हैं आप इसके साथ ऑफ वाइट बॉटम ले लीजिए एंड ऑफ वाइट कलर का ही शिफोन का दुपट्टा इसके साथ कैरी कर लीजिए और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा आपका डिजाइनर लुक बन जाएगा नाउ जो लास्ट पीस है ये इस तरह का है मरून कलर के अंदर कलर इसका बिल्कुल फेस्टिव वाइब्स दे रहा है सो so, आने वाले फेस्टिवल्स पे आपको कोई यू you नो know, बिल्कुल सिंपल सा बहुत ज़्यादा हैवी आउटफिट नहीं चाहिए तो आप इस कुर्ती को ले सकते हैं इसके साथ गोल्डन दुपट्टा एंड गोल्डन बॉटम ले लो एंड हल्की सी यू you नो know, झुमकिया वगैरह डाल लो गोल्डन कलर की या कुंदन की तो बहुत ही बढ़िया सा लुक आएगा एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड ऑरेलिया ये मीडियम साइज का है सो so थोड़ा सा लूज फिट ही दे रहा है सो so आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कैसी फिटिंग आपको चाहिए बैक में ना इसके अंदर प्लीट्स वगैरह दिए ताकि कमर से फिटिंग अच्छी आए पीछे आपको ये हल्का सा डिज़ाइन मिल रहा है इस तरह के ना जो शोल्डर शोल्डर पर डिजाइन होता है ना बैक से मुझे काफी सुंदर लगता है एंड नीचे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा प्लेन है एंड आगे आपको ये डिजाइनर वे में ना पैटर्न बनाया हुआ फॉइल प्रिंट दे रखा है जो फ्रंट पैनल पे है स्लीव्स के अंदर इस तरह से बॉर्डर दिया गया है थोड़ा सा पाइपिंग की हुई है एंड ये ऑरेंज कलर का अलग सा थोड़ा सा कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है गले पे आपको हल्का सीक्वेंट वर्क भी मिल रहा है सो so, ये वाला पीस मैं उन लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी जो यू नो अफोर्डेबल रेंज में एक फेस्टिव एंड यू नो स्पेशल ओकेजन अप्रोप्रिएट आउटफिट सर्च कर रहे हैं इसे आप मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हैं और सिंगल कुर्ती लीजिए और जैसा मैंने आपको बताया गोल्डन पैंट एंड गोल्डन दुपट्टा तो आपके कलेक्शन में हो गई सो so, गाइज ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से मोटिवेट कीजिए मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू एक वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो आप कर लीजिए फॉर सच मोर वीडियोज़ मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन टिल दिन टेक केयर बाय बाय